अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं थोड़ा मेज़बान मियां मोहम्मद अफसल भट्टू। अज मैं थोड़े वास्ते ले आया 385। दोस्तों इतने बीजी है जनाब ज्वार, पहले दो हल लगाए ने, उतू बीज सट्टा है, फिर सीन लगाई है, तो हूँ जनाब सुहागा फिरन लगे हैं। तो 385 11 फाले हल इसके पिछे, तो दोहे का सुहागा है दोस्तों। तो एक सुहागा ही काफ़ी होंदा है जुआर वास्ते, दो भी तुसी फेर सकते जे। परफॉर्मेंस चेक कराना है जनाब 385 की, पहला गियर लग गया जनाब, डीलरशिप दिता है, तो सीधा जमीन च दोस्तों। ज्वार के उपर सुहागा फेरना बड़ा जरूरी है ताकि बीज जड़ा ना कज्जा जाए। सुहागे बराबर ड्राइवर साहब कर रहे हैं, बराबर का फायदा ही होगा भी ट्रैक्टर जड़ा है मोड़ छोड़ सौखा कटेगा। पचासी पैंथर के टायर पाए हैं दोस्तों, लेकिन सुहागा ज़्यादा सौड़ा हो गया परली साइड तो, परल गुजारा हो जाए सीधा। तो दोस्तों ये देसी ज्वार लाई जाती पई है, तो इस बारी मैं भी खुद लगाई सी हाईब्रिड ज्वार। तो दोस्तों कोशिश करो हाईब्रिड ज्वार बिल्कुल ना बीजो, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं उसका तजर्बा किया है। सब तो वड्डी गल ये है भी हाईब्रिड ज्वार गैर मुल्की सीड है दोस्तों। तो उस सीड दे विच उस ज्वार दे विच मिठास बहुत घट है, बहुत ही घट है। जिस तरीके मक्की हुंदी है खुशक, सेम ही उस तरह उसका रिजल्ट निकलिया है। इंज समझो भी ज्वार आप पावे तो जानवर जड़े ने ना शौक ना कोई नहीं उस खाते। तो अगर आप अपने देसी बीज खत्म हो गए अपने मुल्क चूँ, फिर जो ये बाहर वाले सीड है इन्हें तो फिर मजीद टैक्स ला दिते जावे, तो फिर मजीद महंगे हो जावे। इस वास्ते आप फिर उन्होंने मुहताज हो जावे गैर मुल्किया के। तो मेरा ख्याल है जोड़ा मैं जराती तजर्बा किया वह है देसी ज्वार, जिस तरीके थोड़े सामने भी खड़ी है, यह भी खड़ी है, मिठास होंदा है इंदे बड़ा। तो जो इस टोके तो उसका कुतरा करते जे तो टोके भी गिले हो जाते हैं, बैल्ट भी गिला हो जाता, इन्ना मिठास होंदा है। तो जानवर बड़े शौक ना खाते हैं, तो जानवर मोटे होंदे ने। इस वास्ते मैं अपने सारे किसान भरावां नूं दसना चाहना हाईब्रिड किसी कंपनी का भी होवे बाहर का भी बिल्कुल जनाब ज्वार वाला बिल्कुल ना उन इस्तेमाल करो, ना उस काश्त करो, उसका कोई फायदा नहीं। एक तो जानवर नहीं उस शौक ना खाते, तो फिर जो उस ज़्यादा हर बंदा ही वो लगावेगा तो अपने को देसी बीज खत्म हो जाएगा। फिर तुम मल्टीनेशनल कंपनियों के पाबंद हो जाओगे, उन्होंने मुहताज हो जाओगे। इस वास्ते
अपने देसी बीज नूं बिल्कुल ख़त्म नहीं करना, इनू भी नाल लाजमी लगाओ, तो इस नहीं छड़ना। तो मेरा ख्याल है भी जो दोस्त एक दो बारी लगा लेंदा है वो अगले साल वो कोई नहीं लगाता, क्योंकि मैं तजुर्बा किया 1.5 एकड़ से, तो इंशाल्लाह मल्टीनेशनल कंपनी का बीज ये नहीं लगावना, चारे वाला मेड इन पाकिस्तान लगावगा, देसी बीज लगावे तो वह ही फायदा है। तो हूँ भी जिते सुहागा फिरता पी है इतने भी देसी बीज ही उगाया जा सीधा, तो वह ही छटा किया दोस्तों। जदों तुहाडी ज्वार तुसीं कोई 2-4 किले लगा लेंदे ने, जेकर इजाफी हो जाए तो पक जाती है, जदों ज्वार पक जाते हैं सिट्टे उपर वाले तो वह रेट 5,000-4,000 मन का है 40 किलो का, तो वह भी तुहानूं फायदा हो जाएगा, फिर तुहाडा बीज बन जाएगा खुद अगले साल वास्ते। तो जिहड़ा हाईब्रिड है इन्हें अगले साल वास्ते कोई कम नहीं देना, लिहाजा ये एक बार की काश्त है, अगले साल फिर दोबारा नवा लगाना पवेगा, वह भी महंगा 3,000-3,500 का 10 किलो। इस गल ते मेरे किसान भरा जरूर गौर करन भी जिहड़ा देसी बीज है अपना मुल्की, इस नूं जाया नहीं करना, ख़त्म नहीं करना, इस नूं लाजमी इस नूं बीजदा रहना है। ₹385 मेड इन पाकिस्तान 11 फल हल सुहागा, इसकी परफॉर्मेंस भी तुसां चैक कर ली है। हुण मैं तुहाडे सारे दोस्तों की इजाजत चाहना, तुहाडा मेज़बान मियाँ मुहम्मद अफजल भट्टू, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।